कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है और संसदीय कार्य विभाग ने सत्र को लेकर फाइल विभागीय मंत्री के पास भेज दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र कब होना है, कितने दिन का होना है या अभी नहीं होना है, यह तय करने के लिए फाइल संसदीय कार्य मंत्री को भेज दी गई है। इस फाइल में लिखा गया है कि आगामी सत्र में नए चुने गए विधायकों को शपथ दिलाना है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करना है। सत्र और तारीख के संबंध में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। विधानसभा अधिकारियों का कहना है कि 21 से 24 दिसंबर तक 4 दिवसीय सत्र बुलाया जा सकता है। इससे पहले कोरोना की स्थिति को देखते हुए संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर भी यह संशय बना हुआ है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछला सत्र एक दिन में ही हो गया था। इससे पहले एक सत्र कोरोना की वजह से ही निरस्त कर दिया गया था। अभी रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर हैं, वे सबसे लंबे समय तक प्रोटेम स्पीकर के पद पर रहने वाले नेता हैं। जगदीश देवड़ा ने मंत्री बनने पर प्रोटेम स्पीकर पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद 2 जुलाई से शर्मा यह पद संभाल रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।